जूनियर और प्राथमिक के लिए महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए। आपकी बार एक्सिट हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जीएस, जीके, करंट और रजनी के महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हैं। क्योंकि अब की बार एक्सिट हमारे ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्रहित में प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलाही में दुर्गेश पर उपलब्ध होती है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो क्वालिटी अगर आपको साफ न दिख रहे हो तो वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, पूरी तरह से आपको HD में मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली कौन लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब आप जरूर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा, दिल्ली और जो टोपरा अभिलेख हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में लाया। इसी स्तंभ पर सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, इसी स्तंभ पर सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं। यहाँ पर इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जी हाँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, शायद आपको दिख रहा होगा और आप इसे देख भी पा रहे होंगे। ठीक, कह रहा है कि हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, नहीं कुछ लोग गलती कर देंगे, क्योंकि नहीं और हाँ में यहाँ पे हम लोग प्राय कन्फ्यूजन होता है और प्राय समस्या को हल कर पाते हैं और देख पाते हैं। देखिए, हर्ष के द्वारा तीन प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी। नागानंद लिखी गई थी, प्रियदर्शिका, लेकिन मुद्रा राक्षस इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है अगर आप देखें तो यहाँ पर नागानंद, रत्नावली इनकी पुस्तक थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य है ये मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक नहीं थी। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति थी या मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था। सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास लगातार आपके लिए चलती रहे तो वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर प्रियदर्शिका में जो था उन्होंने वत्स राज उदयन के आनंदपुर की प्रणव कथा का वर्णन किया था। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बमियान में बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा किसकी कृतियाँ हैं। जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं कॉमेंट जरूर करिएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर बामियाम में बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा है, इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। यह होगा गांधार कला। कौन सी कला? गांधार कला है। जैसे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो महान केंद्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया थे। अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां बेगराम और बामियान में मिले हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह सी राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस सही जवाब। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिख रहा होगा, कह रहा है फिरोज तुगलक की व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न ऐसे हैं जो सिलेक्शन वाले हैं, जो परीक्षा में हूबहू और सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। शेयर करेंगे तो पैसे नहीं कटेंगे, लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक मदद इस सीरीज को और बेहतर करने में मदद कर सकती है। देखिए, यहाँ पर जागीर प्रथा का पुनर्स्थापना, माने फिरोज तुगलक की जागीर प्रथा की पुनर्सपना जो था साम्राज्य के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी होगा। दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, सभी साथी, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर, बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 5, ये स्वामी विवेकानंद, प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। मैं इसमें ज्यादा आपको व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इसका जवाब क्या होगा बताइए, क्या होगा? स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी संख्या कम है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी सीरीज खत्म कर दूँ।
कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो किसके द्वारा पूरा कराया गया? ध्यान से देखिएगा इसकी न्यू, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसकी थी बताइए? इसकी जो न्यू थी वो कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी इस विकल्प के आधार पर देखें तो इल्तुतमिश ने रखी थी। किसने? इल्तुतमिश ने रखी थी। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है, किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने रखी थी, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। होम रूल लीग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मंजिल ध्वस्त हो जाती है वो कौन बनवाता है, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बताइए होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट। कब किया गया था? 1916 में। और किसके साथ कौन था? तिरक था। कौन थे? तिरक जी थे। इन दोनों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है डांडी कूच का प्रारंभ कब हुआ? डांडी कूच का प्रारंभ कब हुआ? मैसेज करिए। ठीक है बाद में। डांडी कूच प्रारंभ हुआ वर्धा से, हरिद्वार से, पूना से, साबरमती से। कहाँ से हुआ? जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बताइए देखिए डांडी कूच अगर हम बात करें तो कब हुआ था, कहाँ से? साबरमती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबरमती। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किमी दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1903 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन के बाद? 24 दिनों के बाद। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल आपके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता किसी के यहाँ पे गलती होगी। कोई ऐसा भी है क्या जिसका यह प्रश्न गलत हो सकता है? बताइए, कोई ऐसा भी है क्या जिसको लग रहा है प्रश्न गलत हो सकता है? अगर मैं यहाँ से सवाल पूछूं कि बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो क्या होगा बताइए? तो ध्यान दीजिए, किस देश का नाम सुनते आंखें लाल हो जाती है? सर रेड के लिए। तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग हमेशा याद रखिएगा, भारत व बांग्लादेश इसके बीच भी रेड के लिए। क्यों? क्योंकि जिस समय वर्तमान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, पूर्वी पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं। स्पोर्ट क्रिप्शन क्या थे कमेंट बताइएगा। पांडव की पत्नी द्रौपदी पांचाली अर्थात पांचाल की नारी के नाम से भी जानी जाती है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पांचाल कल का है का आज का? अभी का? यहां पर पांचाल कौन है बताइए, कमेंट कर बताइए सभी साथी। यार इतनी मदद कर सकते हैं लोगों तक, तो वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। इतनी काम करिएगा आप लोग कि ये जो क्लास चल रही है ना, इसे बस लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, बस इतना काम करिएगा। पांचाल किनारी से भी, किनारी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय पांचाल पंजाब को कहते हैं। बना
अगला प्रश्न है, काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? काला पैगोडा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध इमारत है? बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा सवाल को जवाब को लेकर। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत क्या है? अंकोरवाट का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस प्रश्न का सही जवाब हो क्या होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। किस पहर में राग भैरवी ज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? बताइए जल्दी कमेंट करके, किस शहर में राग भैरवी, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? कमेंट कर बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे उतने लोगों ने लाइक नहीं किया, आपको लगता होगा लाइक करने से मुझे पैसे मिल जाते होंगे या आपको पैसे कट जाते, ऐसा कुछ नहीं होता, बस सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, बस जैसे आपको मिलता है मेरी क्लास पढ़ने के बाद। किस शहर में राग भैरवी गान सर्वाधिक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सुबह का। किसका? सुबह का। ठीक, अगला है, निम्नलिखित किस देश ने रंग भेद की नीति अपनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 13, रंग भेद की नीति किसने अपनाई? सभी साथी कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक, जल्दी कमेंट कर बताइएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक, रंग भेद की नीति कौन अपनाई? दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी तो लगता है कि अनलाइक करने वाले तो अच्छे हैं, कम से कम इतना आते हैं वीडियो को खोले बिना ही अनलाइक कर देते हैं, एक आप लोग हैं लगातार मेहनत से पढ़ते लेकिन बटन नहीं दबाते, अनलाइक ही कर दीजिए भाई, आप लोग मत शेयर करिए। इराक के किस शहर में शियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है? अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है बसरा में। कहाँ पे? बसरा में। ठीक है, मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी उनका जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में एनो डोमिनी में हुआ था। 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 610 में हीरा नामक स्थान पर उन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 600 ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक होते हैं। 632 में इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। कब? 632 में इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। ठीक, क्या कहता है? मदीना में दफनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? जल्दी कमेंट कर बताइए सभी लोग, जल्दी कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? कोलकाता। यह हुगली नदी के बाएं किनारे पर है। यह भारत की ही नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का एक प्रमुख बंदरगाह है और भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह से भारी वस्तुओं का व्यापार होता है। ठीक है, नईवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी, नईवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नईवेली ताप विद्युत में लिग्नाइट से चलता है। इस विद्युत स्टेशन से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। ठीक है, इसके चारों तरफ लिग्नाइट के भंडार भी हैं। क्या है? चारों तरफ लिग्नाइट के भंडार हैं। भारतवर्ष में
कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक है? कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए जल्दी से कमेंट करके। आइए इसमें देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 में क्या है। ये होगा हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ए और बी दोनों होगा। अगर इस बात को हम लोग देखें तो शायद हमें और आपको एक बात पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एंटीमनी, इसे सुरमा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुरमा। इसे क्या कहते हैं? सुरमा कहते हैं। ये सुरमा आपका जो इस नाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा है, मध्य प्रदेश में जबलपुर। हिमाचल प्रदेश क्या है? कांगड़ा। और यहाँ क्या है? जबलपुर। कांगड़ा और जबलपुर में इसका उपयोग आभूषण बनाने में, बंदूक में, टूथपेस्ट ट्यूब, विद्युत तार, कारतूस आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राज्य अमेरिका नगर डिट्रॉयट किस नाम से विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं, बताइए जल्दी से। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव देश हित में राष्ट्रहित में चलती मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपके लिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर होगा मोटर गाड़ी। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न डेट्रॉयट शहर पूछा जाता है। यहाँ पर संसार में मोटर गाड़ी निर्माण सबसे बड़ा केंद्र है। यह नगर डेट्रॉयट नदी के किनारे ह्यूरिन झील्स को हरी झील से मिलाती है। डेट्रॉयट के अलावा इसमें मोटर गाड़ी, फिलिप लॉन्सिंग, टोनेडो आदि के भी निर्माण होते हैं। ब्लैक पंगोडा, ब्लैक पैगोडा किस देश स्थान में अवस्थित है? बताइए। बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। कोणार्क कहाँ पर है? कोणार्क अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ये सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर को, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने कराया था। किसने? राजा नरसिंह देव। नरसिंह सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किस नगर में अवस्थित है? कहाँ? बताइए। सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पर है? यूएसए। कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देशांतरी यामोत्तर क्या होता है? इधर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है, और मुझे लग रहा है आप सभी को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। देखिए, मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे चलते हैं। पर्वतीय वायुमंडल निम्न कारणों से ठंडा होता है? पर्वतीय वायुमंडल, यार शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपको। सरकारी शिक्षक बन रहे हैं, इतनी तो मदद कर सकते हैं। पर्वतीय वायुमंडल निम्न में से किस कारण ठंडा होता है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ प्रश्न बैंक की सीरीज चलती है आपके लिए, सभी लोग के लिए। 23 की बात करें तो ऊंचाई, ऊंचाई कारण ठंडा होता है। अधिक ऊंचाई पर कम तापमान, कम वायुमंडल का अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, इस कारण पर्वतीय जो वायुमंडल होता है वो ठंडा होता है। किसी स्थान का अक्षांश परिचायक होता है दाब, ताप, समय किसका होता है?
बताइए सभी लोग, किसी स्थान का अक्षांश परिचायक होता है। 24 का उत्तर क्या होगा? तापमान। किसका होगा? तापमान। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी खत्म करेंगे। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाने का काम करते। चलते हैं आगे। वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, दसवें वर्ष, छठे वर्ष, कब कब होता है बताइए? वित्त आयोग का गठन कब कब होता है? इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 280 में। और इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। ये पांचवे वर्ष गठन होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? पांचवे वर्ष। अनुच्छेद 280 में है, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य इसके होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न है आपका, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ये आपात उपबंध है, बाह्य युद्ध या अन्य कोई स्थिति उत्पन्न किसी भाग में या संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन 356 में, किसमें है? 356। क्या होगा? 356। इसे हम राज्य का प्रशासन, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। किस अनुच्छेद में? 356 में। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए, वित्त मंत्री के सचिव जो होते हैं इस पर 1 रुपये, ऐसे आरबीआई के गवर्नर। क्या होगा? आरबीआई का गवर्नर। ठीक, अब 29 का जवाब पता होना चाहिए। कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? ये कृषि पर अगर आधारित पूछेगा तो वो होगा आपका 70%। लेकिन अगर किस सेक्टर में ज्यादा है आय तो वो होगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा? सेवा, तृतीय क्षेत्र। क्या होगा? सेवा क्षेत्र होगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्यों? 1971 को पाकिस्तान के विरुद्ध विजय लक्ष्य को। ठीक है, पाकिस्तान के विरुद्ध विजय दिवस के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को सूचित करने के लिए क्या मनाया जाता है? जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, चाहे से फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे। देखिए, 1 दिसंबर को अर्ष दिवस मनाया जाता है, अर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। आवास दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। सारे प्रश्न आपके 26 अक्टूबर, बाकी का आप जवाब दीजिएगा। कादम्बरी की रचयिता कौन है? देखिए, कादम्बरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? एकदम आसान सा प्रश्न है, वाणभट्ट ने लिखा है। किसने? वाणभट्ट। जो वाणभट्ट थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है। कादंबरी, वह हर्ष
चरित्र, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला है एलियस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? 33 का जवाब जरूर दीजिएगा आप सर, 33 जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी साथी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा लुई केरोलो, लुइस केरोल। ठीक है, जीवन कथा शब्द संबंधित है, सभी लोग जरूर जवाब दीजिएगा। एकदम सरल प्रश्न है, एकदम आसान है, प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सभी को देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाएं के विषय में हो, माने इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला, मोनालिसा जो ला जियाकांडा के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा रंगा गया? जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। देखिए एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि कादंबरी का अर्थ क्या होता है, तो कोकिला होता है। ठीक है, जो एक काले रंग का पक्षी होता है जिसकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, ठीक, तो कोकिला होता है। पैंतीस नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका यह है लियोनार्डो द विंची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 का क्या होगा, इनके बारे में थोड़ी बातें बता दें। ये फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डो का जन्म 1452 में हुआ था। कब हुआ था? 1452 में इनका जन्म हुआ था। ये लियोनार्डो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियरिंग, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार थे। इनके चित्रों में लास्ट सफर और मोनालिसा प्रमुख है। मोनालिसा किसी सुंदरी का चित्र नहीं है, लेकिन उस साधारण दिखाई पड़ने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान का अर्थ आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बना हुआ है। माइकल एंजेलो कलाकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि इसका महत्वपूर्ण चित्र लास्ट जजमेंट है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? जी हाँ, यह पुरस्कार सबसे पहले 1665 में, 1665 में भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थाट को दिया गया। किसको? यू थाट को दिया गया। ठीक, देखिए कादंबरी का कई अर्थ होता है, शराब भी होता है, कोकिला भी होता है। ठीक, अब आप ज्यादा जानकार है तो कोई बात नहीं। ठीक भाई, जो ज्यादा जानकार है तो घर बैठ के अपना ज्ञान रखे रहें। देखिए जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किससे है? ठीक भाई, जो ज्यादा ज्ञाता है ना अपने ज्ञान को रखे रहें, क्योंकि हो सकता है वो ज्ञानी छंद हमें जरा कोई बताया गया कादंबरी का मतलब कोकिला नहीं होता। गजब गजब के चमन टाइप के लोग हैं। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध है क्या होगा बताइए? ये फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल से है, किससे है? फुटबॉल से है। चलिए 40 से क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चमन टाइप के लोग आ गए हैं। यहाँ पे है पॉट, संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है? 38, ये विलियर्ड्स, जो विलियर्ड्स खेल होती है उसके साथ ये संबंध रखती है। अगला, अगला है प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए सभी लोग ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए
ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरी क्लास आप लोगों को निःशुल्क राष्ट्रहित में देशहित में उपलब्ध है, ठीक है। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलती है। मेरी क्लास निःशुल्क होती है। सभी लोग टेस्ट की सीरीज के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश को। अगला है 39 का जो जवाब होगा वो आपका क्या है, 1877 में प्रथम आधिकारिक जो टेस्ट क्रिकेट है वह 1877 में ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के बीच खेला गया, मेलबोर्न, कहाँ पे, मेलबोर्न में। किसके किसके, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन किस स्थान पर है, इसका उत्तर होगा लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक। आप लोग सारे प्रश्न की सीरीज को देख लीजिएगा, भारत की भूगोल की 18 सीरीज है उसे आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है भारत का महाभारत सीरीज। उसके बाद उसके बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग 40 ही करते हैं क्योंकि कल जुड़े रहिएगा, ये क्लास के 9:30 बजे चलती है। बाकी सभी क्लास के लिए ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, 9:30 बजे क्लास, तब तक मिस कर मत करिएगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। एक दो पेपर आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, बस 3-4 दिन आपकी तैयारी में कर रहा हूँ उसकी वजह से मैं आपके लिए नहीं लाइव ला पा रहा हूँ। 3-4 दिन के बाद करंट की स्पेशल क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ और परीक्षा वाली क्लास 3-4 क्लासेज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते पहला काम मुझे गवर्नमेंट का देखना, तो उसके बाद मैं आपके लिए देख पाता हूँ, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता वो है। इसलिए आप भी अपने आसपास के सभी प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर स्कूलों में 6 से 14 तक के बच्चों का दाखिला जरूर करिएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। फेसबुक पेज इलेनी विद्युर्गत, इंस्टा ट्विटर पर जुड़े रहिएगा, ठीक। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। किसी भी समस्या के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहते हैं। आज 40 नंबर पर ही, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। सभी क्लासेज आपको चलती हैं, हिंदी चल रही है, संस्कृत चल रही है, SST चल रही है, विज्ञान चल रही है, सभी क्लासेज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। सुबह 6:30 बजे करंट स्पेशल की डेली सीरीज आपको मिलती है, 2020 नैनो मैगजीन। तो 2020 नैनो मैगजीन के साथ परीक्षा मैगजीन आपको जल्दी मिलेगी, उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपकी क्लासेज नहीं हो पा रही। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, अगर लाइक का बटन नहीं दबा तो लाइक जरूर करिएगा। अब फिर क्लास पसंद आए अपने साथी को जरूर बताइएगा, ठीक है। जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मैं आपके बीच था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज 40 ही पढ़ लेते हैं।